बांगरमऊ स्थित आरडीएस इंटर कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कार्यक्रम के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया एवं इस कार्यक्रम के दौरान बांगरमऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी रहे उपस्थित। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बेटी के महत्व को समझाते हुए निम्न बातें कही। उजागर करके था, लेकिन पत्नी ऐसा मित्र होती है भाइयों कि अगर कभी आज हो जाए और कभी कभी तो अशिक्षा अज्ञानता से लोग पत्नियों पर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन ऐसा मित्र वो होती है कि रात भर रोती रहे लेकिन सुबह उसके पति की समाज में मूछ नीची न होने पाए वो अपनी घटना को किसी से उजागर नहीं करती। उसके पति का सर्वोच्च सम्मान हो भले ही उसने उसका अपमान। फिर कहा गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण तो पुत्री है। चाहे कितने भी दान आपने कर लिए हो लेकिन अगर एक कन्या दान नहीं किया तो सारे दान बेकार चले जाते हैं। पतियों का चौथा रूप बहन का है, नास्ति स्वसा समा मान्या, बहन के बराबर कोई मान दिए नहीं। आज भी संस्कारवान घरों में भाई बड़ा हो चाहे भाई छोटा हो सब मिलकर अपनी बहन का चरण स्पर्श कर। जैसे घर से ब्राह्मण विदा होता है उसे दे लेकर विदा किया जाता है, जितना संभव हो सकता है उतना संभव उनको देकर परिवार के लोग विदा करते हैं। और वो भी जो अक्षत फेंकती है अपने घर में वो माता आंचल पसार की उन अक्षतों को घर में बिखरा देती है अपनी पुत्री के आशीर्वाद के रूप में। ये है गौरवशाली चरित्र एक स्त्री का, वो हर रूप में वंदनीय है। और बिहारी ने कहा था ये श्री रामचंद्र जी को शक्ति कहाँ से मिलती है, श्री रामचंद्र की शक्ति सीता है, कृष्ण को शक्ति देने वाली राधा है और शिव भी शक्ति के अभाव में शव हो जाते हैं। लेकिन ये कहाँ से मिलती है, ये अनायास नहीं मिलती ये शक्ति, इसकी खेती करनी पड़ती है, सम्मान देना पड़ता है। नारी अगर संहार करता है तो सृजन की शक्ति भी धारण करती है। इसीलिए आज कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर इतने सारे आयोजन किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, बेटियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए कोई बेटी कहीं आबादी की हकीकत दुनिया को समझाने दो तब तक चुप रहूं, कभी मुझे भी तो मुख्य पटल पर आने दो, कितनी अग्नि परीक्षाएं लोगे कभी मुझे भी तो आजमाने दो, आधी आबादी की पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो। इसलिए आप सब सुधी उन्नाव की जनता से मैं कहती हूँ कि मत खींचो उसे चढ़ने दो, मत रोको उसे बढ़ने दो। उन्नाव से टॉप न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।